वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आज आपको बताते हैं इस्टीमेशन का वो पार्ट जिसमें हम बिल्डिंग का इस्टीमेट करते हैं। जैसे हमारा दो कमरे की एक बिल्डिंग है, दो कमरे का एक प्लान है, उसका हमें इस्टीमेशन करना है, ठीक है। और वो इस्टीमेशन दो मेथड से किया जाता है। एक सेंटर लाइन मेथड होता है, सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। एक होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो हम पहले करके दिखाते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से, ठीक है। ये देखिए हमारा फुटिंग है, 1.1 मीटर इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट जो है 30, ये लगभग है हाइट आपकी 1 मीटर। 1 मीटर कहाँ से आया, सब ग्राउंड फ्लोर से नीचे ऐड कर लीजिए। 20, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 30, 100, यानी टोटल है 1 मीटर हाइट, यानी इसकी हाइट है 1 मीटर और इसकी ब्रेथ जो है, ब्रेथ ये है, ठीक है, 1.1 मीटर। अब लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल में करना क्या होता है, पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग वॉल निकालना है। लॉन्ग वॉल इसमें है क्या, ये देखिए 4 मीटर बाई 6 मीटर का एक कमरा है, दूसरा कमरा है 6 मीटर बाई 6 मीटर। इसको पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि 4 किस डायरेक्शन में और 6 किस डायरेक्शन में। तो 4 को हम एक्स ले लेते हैं और 6 को वाई, सेम यही इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स मतलब हम जानते हैं ज्यामिति सिस्टम से कि एक्स जो डायरेक्शन होता है ये होता है, ठीक है, और वाई ये होता है, ठीक। तो एक्स मतलब 4 जो हमारा है इसमें ये है और 6 ये हाइट है, इसमें भी सेम वही है, 6 ये है एक्स के डायरेक्शन में और ये वाला 6 वाई के डायरेक्शन में है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब ये हमारा जो ये वाली जो वाल होगी इस साइज में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वाल है, ये हो जाएगी शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल होगी कैसे वो देख लीजिए, एक्स 6 ये है और 6 ये भी हाइट है वाई के डायरेक्शन में, तो 6 हुआ। 0.3 कहाँ से आया वो देख लीजिए, 6 प्लस रूम का इनर टू इनर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद सेंटर टू सेंटर हम देखेंगे, ये से जो हमारी वाल है वो 300 mm की है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो थिकनेस है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी 300 mm। तो सेंटर टू सेंटर लेंगे तो हाफ इसका 0.3, ठीक है, नहीं हाफ इसका होगा तो 0.15 होगा, 300 का है ना, 300 को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 होगा और सेंटर टू सेंटर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो 0.15 इस वाल के लिए हो गया और इस वाल के लिए प्लस 0.15 तो आ जाएगा 6.3। सिमिलरली ये भी ऐसे होगा, 4 + 6 = 10 हो गया, अब 0.15 यानी 0.3 ऐड हो जाएगा, तो 10.6 आ गया। तो 10.6 आया कहाँ से ये देखते हैं, और ये है ना, हाँ देखिए, अब ये यहाँ पे हमने कन्फ्यूजन हो गई थी, हम आपको सही से बताते हैं। देखिए पहले हम इस कमरे के लिए लेंगे, इस कमरे के लिए ये 4 है, 4 हो गया प्लस इस वाल के लिए, इस वाल का हाफ 0.15 प्लस इस वाले वाल का हाफ 0.15, समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले वाल के लिए लेंगे तो इस वाले वाल के लिए 6 प्लस ये वाली वाल 0.15 और ये वाली वाल का आधा बचा हुआ है 0.15 यानी 0.3 यानी हो गया टोटल 10.6। देखिए 4 + 0.15 यहाँ से ये आ गया। अब हमको ये पता चला इसकी डायमेंशन बड़ी आई, इसकी छोटी आई, तो ये लॉन्ग वाल हो गया, ये शॉर्ट वाल हो गया। अब हम एक चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट ऐसे रहेगा, पहले में आइटम होगा, दूसरे में डिस्क्रिप्शन, नंबर्स एल पी एच मीटर में क्वांटिटी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहला हम क्या निकालते हैं, जो हम फुटिंग के लिए एक्सप्रेशन किए हैं, मतलब अर्थवर्क इन एक्सप्रेशन इन फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए जो एक्सप्रेशन किए हैं उसमें कितनी एक्सप्रेशन किए हैं, कितनी क्वांटिटी लगी है वो हम निकालेंगे। तो पहले दो वाले लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल लिख लिया, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल। इसके बाद नंबर्स, लॉन्ग वाल कितना नंबर है, एक लॉन्ग वाल आपकी ये है, एक ये है, यानी 2 नंबर है,
ये समझ में आया। लेंथ 11.7, ये कहाँ से आया वो देख लीजिए, हमारी लेंथ आ गई थी 10.6, ठीक है, प्लस 1.1 कहाँ से आया ये देख लीजिए, ये हमारी जो फुटिंग है 1.1 मीटर ब्रेथ इसकी होगी टोटल, तो ये पूरी लेंथ में ऐड होगी, ठीक है, तो आ जाएगा 1.1। हमने लेंथ में लिख दिया, ब्रेथ यहाँ से ले लिया, ठीक है, लेंथ यहाँ से ले लिया 1.1, ब्रेथ हो गया, और हाइट जो है 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की है, कैलकुलेट कर दिया तो क्वांटिटी आ गई MQ में, ठीक है। शॉर्ट वाल में भी सिमिलर होगा, दो शॉर्ट वाल है, 6.3 ये है माइनस, अब इसमें माइनस होगा 1.1 जो है इसमें माइनस हो जाएगा, जो इसकी हाइट है वो इसमें माइनस हो जाएगी, जो कि इसमें ये जो प्लस हो रहा था वो इसमें माइनस होगा ब्रेथ शॉर्ट वाल में, पता है ना क्यों होगा। हाँ तो देखिए ये कम क्यों होगा, जैसे कि 1.1 हमने जब ऐड किया 10.6 में, तो ये 1.1 की चौड़ाई में खुदाई हो ही जाएगी, जब यहाँ तक हो जाएगी या यहाँ तक हो जाएगी, तो ये शॉर्ट वाल के लिए हमें 1.1 तो जाहिर सी बात है नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग वाल से ही हमारी वो एक्सप्रेशन हो गई, तो हम जाहिर सी बात है 1.1 जो हमारी आगे तक हो गई है उतना इसमें से माइनस कर देंगे 6.3 से, तो आ जाएगा हमारा लेंथ शॉर्ट वाल का 5.2। ये यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ये जो शॉर्ट वाल है वो 2 ना होके 3 होगी, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि 1, 2, 3 शॉर्ट वाल है तो 3 हो जाएगा। 5.2 कहाँ से आया वो हमने दिखा दिया, 6.3 जो शॉर्ट वाल की लेंथ हमने निकाली थी ये वाली, उसमें से फुटिंग का ब्रेथ माइनस किया तो आ गया 5.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों का लेंथ ब्रेथ हाइट इंटू 3 कर देंगे, ये इसको कट करते हैं, ये सही है, यहाँ पे ये गलत था, 3 LBH हो जाएगा, जो भी आएगा उसे यहाँ पे हम लिख के दोनों ऐड करेंगे तो उतना टोटल MQ आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन वर्क, ठीक है। सिमिलरली अब करेंगे जिसे लाइम एंड कंक्रीट इन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन के नीचे यहाँ पे कंक्रीटिंग जो करते हैं, बजरी डाल के कुटाई करते हैं, वो क्या होगा, उसमें 2 लॉन्ग वाल है, ठीक है, और ये 11.7 यहाँ से आया था, सिमिलरली जैसे वो आया था लेंथ सेम रहेगा 11.7, ब्रेथ 1.1, ठीक है, और इसकी हाइट जो रहेगी 0.3, 300 mm, कहाँ से आया ये 0.3 कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, ये देखिए हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है, हमने हाइट लिख दिया 0.3, तो LBH इंटू 2 तो आ गया 7.72 MQ। शॉर्ट वाल के लिए भी सेम होगा, बस ये 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी कुछ बढ़ेगी, उसके बाद टोटल हो जाएगा जो होगा उतना MQ लाइम कंक्रीट लगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है, प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई 1:6 सीमेंट मसाले में न्यू तथा कुर्सी में, मतलब जो प्लिंथ बीम होती है उसमें जो चिनाई करना है, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब इसमें 5 फुटिंग है, ठीक है, 5 फुटिंग में जो ब्रिक वर्क होगा उसमें कितना ब्रिक वर्क लगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए कैसे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फुटिंग कितनी है, 2 है, ठीक है, लॉन्ग वाल के लिए भी कर रहे हैं तो लॉन्ग वाल हमारे पास 2 है, तो लॉन्ग वाल में 2 है, 2 फुटिंग 11.4। अब 11.4 कहाँ से आया ये वाला, अब ये आपको जानना है, इसके लिए करना क्या होगा, आप थोड़ा बैक आइए, ये देखिए 10.6 है, 10.6 प्लस हमने कंक्रीटिंग के लिए इसको टोटल 1.1 ऐड किया था, अब हम ऐड करेंगे 0.8 ऐड करेंगे, 10.6 प्लस 0.8 तो आ जाएगा 11.4, ठीक है, और 0.8 इसकी ब्रेथ है ये, और हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो सिमिलरली ऐसे आ जाएगा ये 3.6 MQ। सब सेकेंड फुटिंग का भी वही कर लेंगे, थर्ड फोर्थ और प्लिंथ वाल के लिए टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इतना MQ आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग वाल मेथड से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर आपको सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड पता करना है कैसे होगा उससे कैलकुलेशन, तो कमेंट करिए।